नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को साबर मंत्र के बारे में बताऊंगा। साबर मंत्र क्या होते हैं, साबर मंत्र किसे कहते हैं, साबर मंत्रों का रहस्य क्या है और साबर मंत्र कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साबर मंत्र जो है, साबर मतलब ग्रामीण यानी गांव। देखा जाए तो उसे ग्रामीण क्षेत्र का एक शब्द कहा गया है साबर, और अगर उसे दूसरी भाषा में देखा गया, साबर का मतलब होता है सब्र। यानी साबर मंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसे एक आम आदमी भी कर सकता है। मुझे तमाम वीडियो मेरे अपलोड होने के बाद मुझे काफी मेल्स आए, हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे मेल किया और ये पूछा कि बाबा कोई उपाय बताए, कोई उपाय बताए, कोई उपाय बताए। तो मैं अब एक कोशिश करूंगा कि उनकी हर समस्याओं का उपाय वो खुद मेरे वीडियो से निकाल ले और उसको वो पूरा करे और उसका जो असर है वो उनको देखने को मिलेगा। जी हाँ, साबर मंत्र एक अचूक तीर की तरह प्रभावशाली, अत्यंत शक्तिशाली, जिसे मैं कह सकता हूं ब्रह्मास्त्र मंत्र होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो किताबों में पाया जाता है वो ओरिजिनल मंत्र नहीं होता, उटपटांग होते हैं, बनाए गए होते हैं या वो किलित होते हैं। किलित मतलब उस मंत्रों के आगे का विधि विधान नहीं बताया जाता है। कुछ किताबों में वाकई में साबर मंत्रों के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। हमारे जानकारी के लिए सबसे पहला मैं बता दूं आपको कि साबर मंत्र जो है एक ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया शब्द है, साबर यानी ग्रामीण। आम भाषा में भी हम इस साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रीय मंत्र जो होते हैं वो बहुत, संस्कृत मंत्र जो होते हैं, बीज मंत्र जो होता है, हमें पढ़ने में कहते ना कि अगर एक शब्द का भी अगर उच्चारण में हेर फेर हो जाए या जड़ी सी गलती हो जाए तो शब्दों का विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, चिंता, चिंता के ऊपर एक टिंब लगा होता है, अगर उस टिंब को हम निकाल दे तो हो जाता है चिता। अगर हम वो टिंब वहां लगा दे बिंदी तो हो जाता है चिंता। उसी तरह उर्दू में कहा जाता है खुदा, खुदा के ऊपर अगर हम नुक्ता लगा दे या बिंदी लगा दे तो हो जाएगा जुदा, अगर उसको निकाल दे तो हो जाएगा खुदा। तो एक शब्द भी अगर हमारे बोलने में अनाप शनाप या ऊट पटांग अगर निकले तो मंत्र काम नहीं करते। ये शास्त्रीय संस्कृत मंत्र और बीज मंत्रों के हैं, लेकिन साबर मंत्र में ऐसा नहीं है। साबर मंत्र आपको सुनने में अजीब से लगेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है। इसमें हम सिर्फ कसम, दुहाई और हम हमारे गुरु की आन देकर हम इससे अपना काम निकालते हैं। जैसे छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब रोता है माँ के पास, माँ से कहता है माँ एक रुपया दे दो, एक रुपया दे दो, तो वो माँ तुमको मेरी कसम, माँ तुमको मेरी कसम, तो माँ अपने बच्चों के सामने टूट जाती है। माँ की ममता जो है वो अपने बच्चों के सामने, या बाप हो, बच्चे अगर उनके सामने आकर मांगे तो बच्चों के आगे माँ बाप बेबस लाचार हो जाते हैं और फिर वो रुपया निकाल के उसको दे देते हैं। उसी तरह हम जिन शक्तियों से काम लेते हैं, साबर मंत्रों में उन शक्तियों के बारे में लिखा होता है। चाहे वो हिंदू धर्म के मंत्र हो या मुस्लिम तंत्र के मंत्र हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, फारसी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी भाषा के, हमारी तरह के जितनी भी हिंदुस्तान में भाषाएं बोली जाती हैं, साबर मंत्र हर एक भाषाओं में पाए जाते हैं। साबर मंत्रों का प्रयोग आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं। किताबों में लिखा होता है कि आप गुरु के बिना कर सकते हैं। जी नहीं, कोई भी मंत्र आप गुरु के बिना शुरू नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी को अपना गुरु मानना ही होगा, दीक्षा लेनी ही होगी, और इष्ट या हमारे खुदा, हमारे देवता, जिसको आप मानते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह कि साबर मंत्रों की रचना कैसे हुई। कहते हैं ग्रंथों और पुराणों में जो लिखा है कि साबर मंत्रों की रचना करने वाले गुरु गोरखनाथ हैं। भगवान शिव जी ने साबर मंत्रों की रचना की और गुरु गोरखनाथ जी को बताया। अब सवाल यह उठता है कि गुरु गोरखनाथ जी को अगर मंत्र बताया, उन्होंने इस मंत्र को फैलाया, उनके जो नवनाथ हुए उन्होंने भी इस मंत्र को फैलाया, तो यह मंत्र अब
आदमी कहेगा कि यार ये तो मुसलमान में भी पाया जाता है, तो मुसलमान में साबर मंत्र किसने बनाया, कैसे बनाया, गुजराती में किसने बनाया, उनके देवता अलग है, मराठी में किसने बनाया, उनके देवता अलग है, मुस्लिम में किसने बनाया, उनके पीर पैगंबर दुआ करने वाले खुदा अलग है, वली अल्लाह अलग है। तो ये भाई ये जानने की बात तो ये है कि मंत्र किसी ने भी बनाया हो पर उसको सलाम करना चाहिए। मंत्र काम करता है ये बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में मंत्र काम करता है, साबर मंत्र बहुत काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने भी बनाया उसको सर से लेकर पैर तक सलाम करते हैं। मंत्र जो है साबर मंत्र, इसमें दुहाई, कसम और आन देकर, और अगर ऐसा लगा कि कोई काम कुछ डिफिकल्ट है, हार्ड है, तो उसमें थोड़ी बहुत हमें उनको अनाप शनाप कह के भी अपना काम निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी से कहो कि आपको आपकी मां की कसम आप इस जगह से नहीं उठोगे, तो वो बंदा उस जगह पर शाम तक या कल तक बैठा रहेगा क्योंकि आपने उसको उसकी मां की कसम दी। तो हम इंसान उस कसम को अगर मान सकते हैं तो देवी देवता, वीर पैगंबर, वली अल्लाह और जितने भी अच्छी बुरी आत्माएं हैं, पाक है नापाक है, जिन है जिन्नात है, मुवक्किल है या शक्तियां हैं, वो सब हमसे ज्यादा वफादार होती है और कसम को, आन को, दुआई को मानती है। साबर मंत्र जो है इसमें छह कर्म आते हैं। पहला आता है शांति कर्म। शांति कर्म का मतलब होता है भूत प्रेत, जादू टोना, बीमारियों की परेशानियों को दूर करना। दूसरा आता है विद्वेषण कर्म, यानी दो लोगों में आपस में लड़ाई पैदा कर देना। तीसरा आता है वशीकरण कर्म, किसी को भी अपने वश में कर लेना। चौथा आता है स्तंभन कर्म, किसी को भी बीमार लाचार करके या किसी को भी हम तकलीफ देकर उसको हम एक जगह पर शांत स्तंभन कर सकते हैं, यानी बीमार करके एक जगह पर हम उसको रख सकते हैं, या हम किसी को भी मुंह बांध कर सकते हैं, बंदिश कर सकते हैं, या ज्यादा अगर हमारे पीछे परेशान पड़ा है तो उसका मुंह स्तंभन कर सकते हैं। पांचवा है उच्चाटन कर्म, यानी सामने वाले के दिल को इतना उच्चाट कर दो कि वो अपना घर बार छोड़कर चला जाए। उसके बाद आता है मारण कर्म, यानी किसी की भी प्राणों की जान लेना जो बिल्कुल गलत है। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि इन में से पांच कर्मों के बारे में ही आप ध्यान दें, मारण कर्म पे आप इतना जोर न दे क्योंकि यह होने वाला नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित है कि भाई मुझे इसको तकलीफ दे रहा है। मुझे ज्यादातर मैंने देखा कि लोग मुझे वशीकरण के लिए और मारण कर्म के लिए फोन करते हैं, जो कि गलत है। जो है वो उसके हाल पे छोड़ दो, वो लिखने वाला तकदीर है तुम्हारी, अच्छे और बुरे कर्म, और जो सामने वाला जैसा करेगा उसको उसके कर्मों के अनुसार फल यही भुगतने को मिलेगा। आजकल आपने देखा होगा कि ऊपर वाले के पास तो अभी वक्त नहीं है, जो है यही मिल जाता है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। यानी बुरा कर्म करने वाला ही इन सब बीमारियों से, या जो जादू टोना करके किसी को तकलीफ दे रहा है, बीमार कर रहा है, परेशान कर रहा है, यानी जो बुरे कर्म किसी पे कर रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, वही उनका हिसाब करेगा। और बाकी लोग जो तकलीफ में है वो साबर मंत्रों का प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। साबर मंत्र एकदम तीर से ज्यादा काम करता है, अचूक प्रभावशाली मंत्र होता है। साबर मंत्र जो है ये फेल नहीं होता, यानी नाकाम नहीं होता, ये लगता ही लगता है निशाने पर। साबर मंत्रों का इस्तेमाल अगर आप सच्चे मन से, अगर सच्ची नीयत से तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं या इसका सीखकर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आप साबर मंत्रों का प्रयोग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। गांव में ग्रामीण ओझा पंडित, बाबा बुआ, तांत्रिक आमिल, सभी लोग ज्यादा करके जो अनपढ़ होते हैं देखो, वो लोग साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं क्योंकि साबर मंत्र पढ़ने में बहुत आसान होता है और इसका प्रयोग और इसका इस्तेमाल भी करना बहुत आसान है, सरल है। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा करके कोशिश करें, साबर मंत्रों का इस्तेमाल करें, साबर मंत्रों के ऊपर ध्यान दें। साबर मंत्र वाकई में काम करता है और इसकी शक्ति है, लेकिन कुछ प्राचीन मंत्र जो होते हैं जो लुप्त हैं, विलुप्त हो गए हैं और जो दुर्लभ है,
मैं कोशिश करूंगा आगे चल के मेरे वीडियोस में आप लोगों को ऐसे प्राचीन मंत्रों के बारे में जो कई सौ साल पहले की किताबों में लिखे वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, जिससे वाकई में आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आप साबर मंत्रों के बारे में देखिए, सुनिए, पढ़िए कि आपको साबर मंत्र कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, और उसकी राय आप मुझे जरूर बताएं। मेरा ईमेल आईडी मेरे वीडियो के आखिर में आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा साबर मंत्र के ऊपर जो मैंने आज आपको बताया, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे और भी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोग भी साबर मंत्रों का फायदा उठा सकें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।